भाई कितना अरसा गुजर गया इस तरह समंदर को देखे हुए। ऐसा अजीम सफर मैंने आज से पहले कभी नहीं किया। अक्सर मैं उन लोगों के बारे में सोचता हूं जो समंदर पे हुक्मरानी करते हैं। क्या हम भी एक दिन ऐसी हुक्मरानी करेंगे बाबा? वो बशारत जो ओवोज अजदाद की जानिब से हमें मिली है उसके मुताबिक ये समंदर और दरिया फतह करेंगे हम। इंशाअल्लाह वो दिन जल्द आएंगे। हम अरशे पे अपना परचम बुलंद करके बादबान खोलेंगे, लहरों पर रवाना होंगे, हवाओं को पीछे छोड़ देंगे, इन अजीम मौजों पर सफर करेंगे, समंदर पार इलाकों को भी फतह करेंगे। बादबान को यकीनन हवा की जरूरत होती है, लेकिन बेटा ये सिर्फ जराए होते हैं। हकीकत तो यह है कि ये खुशकुतर अल्लाह के हुक्म के ताबे, वही कादिर है इन पर। हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम कर उसके अजीम मकसद के लिए हक के रास्ते पर चलते हैं, इसलिए हमारा ये बेड़ा हर दरिया और समंदर को पार कर जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई इंशाल्लाह।